इंडोनेशिया में भारत के बाहुबली ने मचा दी खलबली। देखते ही रह गए जिनपिंग और विडोडो। मोदी ने दिखाई धमक। विश्व मंच पर मोदी से हाथ मिलाने दो देर चले आए बाइडेन और मैक्रो। न रूस की चली न चीन चल पाया चाल। बाली में मचा भारत का भौंकाल। एक बार फिर मोदी ने विश्व मंच पर भौंकाल मचा दिया। बाइडेन और जिनपिंग देखते ही रह गए। दूर बैठे पुतिन भी ये नजारा देख रहे थे। दुनिया के 20 देशों के बीच भारत ने ऐसी दादागिरी दिखाई कि एक बार फिर मोदी का डंका दुनिया में बजता दिख रहा है। इतना ही नहीं, मोदी ने इस मंच से वो ऐलान किया कि दुनिया दीवानी हो गई। इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि बाली में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि चीन और पाकिस्तान में बवाल मच गया है। अगर मोदी के इस बढ़ते कद से आप भी खुश हैं तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के बगल में बाइडेन बैठने वाले थे। जैसे ही बाइडेन मंच पर आते दिखे, मोदी ने उठकर उनका स्वागत किया और बदले में बाइडेन ने गले मिलकर दरिया दिली दिखाई। बाइडेन और मोदी के मुलाकात के बीच ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए अजीज दोस्ती का एहसास कराया और मोदी ने भी उनका सत्कार किया। पीएम मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री ने चीन पाकिस्तान समेत कई देशों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पहली बार ब्रिटेन पर भी एक तगड़ा गेम खेल दिया है। वहीं यूक्रेन मामले पर भी तगड़ा धमाका किया है। साथ ही G20 के इस मैच से दुनिया को भी यह बता दिया है कि रूस के साथ भारत की दोस्ती अटूट है। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच झुलस रही है। दुनिया भर में महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। लिहाजा दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता इस चुनौती पर चर्चा के लिए एक साथ जुटे हुए थे। इस बैठक में खाद्यान्न और ऊर्जा सुरक्षा पर नेताओं का जोर था। इसके साथ ही इंडोनेशिया के बाद भारत G20 की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। इस लिहाज से भी यह बैठक भारत के लिए अहम माना जा रहा है। उसमें भी पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दिया है। मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दो ध्रुवों में बंट चुकी पूरी दुनिया को बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। विश्व स्तरीय मंच पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के सामने मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सीज फायर और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के लिए रास्ते तलाशने होंगे। इस युद्ध की वजह से ऊर्जा, फर्टिलाइजर और खाद्यान्न का संकट पूरी दुनिया में पैदा हो गया है। ये स्वाभाविक है कि फर्टिलाइजर की कमी होगी तो खाद्यान्न संकट पैदा होना ही है। मोदी ने कहा कि पिछली सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर ढाया था। उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए एक गंभीर प्रयास किया था और अब हमारी बारी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब भगवान बुद्ध और गांधी की धारा पर G20 सम्मेलन होगा तब हम शांति की दिशा में दुनिया के लिए एक ठोस संदेश देंगे। रूस से तेल लेने के आलोचना पर इशारों में मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत में दुनिया के विकास के लिए बेहद जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक पहली बार भारत के पीएम मोदी से मिले थे। ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद भारत में बहुत चर्चा तब हुई थी क्योंकि वह भारतीय मूल के हिंदू नेता हैं जो अब भी अपनी हिंदू पहचान को बताने में गर्व महसूस करते हैं। पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक भी भारत की तरफ उम्मीदों के साथ देख रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन सरकार के सामने अपार संकट है। ऐसे में सुनक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी इन मामलों में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। G20 सम्मेलन की शुरुआत से पहले पूरी दुनिया की निगाहें इंडोनेशिया पर टिकी हुई थी। इस बैठक में मोदी भी शामिल होने वाले थे। उनके स्वागत में पूरा बाली सजा हुआ था। 72 साल के मोदी की दीवानगी केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के बाली में भी दिखी। बाली से पुतिन, मोदी और बाइडेन की इस त्रिमूर्ति ने साफ संकेत दिया है कि अभी ये जोड़ी दुनिया का नेतृत्व करेगी। पीएम मोदी का पहला लक्ष्य है कि भारत पर पूरी दुनिया निर्भर हो और भारत पूरी दुनिया को लीड करे। ऐसे में G20 के मंच से मोदी की धमक ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। विश्व स्तर पर मोदी के बढ़ते कद पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।